चित्रकूट जिले में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पांव पसार रहा है। थाना प्रभारी सुशील चंद्र शर्मा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विपिन सिंह द्वारा पहुंचकर गांव में बैरिकेडिंग करते हुए गांव में निरीक्षण किया। फायर सर्विस की टीमों ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सैनिटाइज किया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी यतीन्द्रनाथ उमराव के नेतृत्व में अग्निशमन की टीमों द्वारा हॉटस्पॉट 1 ग्राम बरद्वारा थाना राजापुर, 2 ग्राम बरेठी थाना पहाड़ी, 3 कैलाहा थाना बहिलपुरवा, 4 करवी शहर के मोहल्ला बलदावगंज, 5 जिला अस्पताल सोनेपुर, 6 मातृ एवं शिशु अस्पताल 200 शैया खो, 7 आईटीआई कॉलेज शिवरामपुर, 8 तुलसी महाविद्यालय बैडी पुलिया चित्रकूट, 9 मानिकपुर कस्बा को सैनिटाइज किया गया। इस सैनिटाइजेशन के कार्य में 14 कर्मियों ने 2 बड़े फायर टेंडर तथा 2 छोटे फायर टेंडर की सहायता से सैनिटाइजेशन का कार्य किया। चित्रकूट जनपद में रात्रि में 1 चिकित्सक और 1 वार्ड बॉय समेत 11 लोगों की कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद एक और रिपोर्ट में आज 6 नए मरीज मिले कोरोना संक्रमित। 2 दिन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में हुआ 21 का इजाफा। अब जिले में कोरोना संक्रमण आंकड़ों की संख्या पहुंची 59। चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। इधर अच्छा पैया पैया बता दीजिए तो ये तो प्रोवाइड आप करा देते होंगे इनको दो जिला अस्पताल से मिल जाता इनको तो हमें करना है। इधर एक चरपैया तो इधर भी जा रहा है अंदर कर दिया यहीं तक कह रहा था कि आगे नहीं है मंजिला ऊपर भी रहते थे ये सैने उसे भी सैनिटाइज कराओ इसको भी आगे चारपाई वगैरह इन पर बेचे हुए ये सब होटल